Today's topic is Kingdom Planting. This is chapter number 9, first year class. So let us start our topic. During the past few decades, biologists have been trying to classify living organisms into various groups which could logically reflect their similarities and dissimilarities at various levels. During the past few decades, क्या ट्राई कर रहे थे करने के लिए लिविंग को वेरियस वेरियस ग्रुप्स ग्रुप्स में ठीक है ये जो तो कि अरेंज किया जा सके द वर वर्सोज टू फॉरशेडो द नेचुरल रिलेशनशिप्स अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर मोड ऑफ ओरिजिन बेसिकली दो चीजें बहुत ज्यादा अहम थी इनके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या देखते थे कि मोड ऑफ ओरिजिन इनका क्या है इनके अबाव इजदाद जो है वो क्या थे उसके बाद है, में जो है, वो देखा जाए किंगडम प्लांटी मेनली इंक्लूड्स यूक्रियोटिक आटोट्रॉफिक मल्टी सेलुलर नॉन मोटाइल ऑर्गेनिजम्स विच डिवेल्प फ्रॉम एम्ब्रियोस किंगडम प्लांटी में कौन से जानदार शामिल हैं जो कि यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक है Eukaryotic कौन से होती हैं जिनमें एक वाजे न्यूक्लियस मौजूद होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है आटोट्रॉफिकॉफिक आटो वो हैं जो अपनी खुराक को खुद तैयार कर सकते हैं मल्टी सेलुलर मल्टी सेलर जो एक से ज्यादा सेल्स पर मुश्तम है नॉन मोटाइल ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो लुक मोशन नहीं कर सकते जो मूवमेंट नहीं कर सकते नॉन मोटाइल दे कांट मूव विच डिवेल्प फ्रॉम एम्ब्रिय प्लांट सेल्स हैलवालउटर टू सेलुलोज आपने पढ़ा होगा बनी होती है जबकि प्लांट्स में सेलवाल किस चीज की बनी हुई है सेलुलोज की रिमेंबर इच की जो फंजाई में सेलवाल है वो काइटन की बनी है जबकि प्लांट्स में जो सेलवाल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी हुई है दूसरी चीज जो हमें डिफाइन की है वो ये है कि इनके अंदर सेल वॉल मौजूद है और सेल वॉल क्या है बेसिकली एक सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के आउटर जो है वो हमारे पास क्या होगा सेल वॉल मौजूद होगी ठीक है देयर आर अबाउट थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड नॉन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स प्लांट्स की ऑलमोस्ट थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड स्पीशीज जो है वो मौजूद हैं नेक्स्ट आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटी अब क्लासिफिकेशन किस तरह से प्लांटी की की गई फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड इन प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज डिडेड नॉन वैस्कुलर ब्रायोफाइटा एंड वस्कुलर ट्रिकोफाइटर प्लांट्स अब आप यहाँ पे देखेंगे कि नॉन वास्कुलर क्या है नॉन वस्कुलर वो है जिनमें जाइलम और फ्लोइम मौजूद नहीं है वस्कुलर क्या है जिनमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद है वस्कुलर बंडल जिसके अंदर मौजूद है वो वस्कुलर है जिनके अंदर वस्कुलर और फ्लोएम मौजूद नहीं है वो नॉन वस्कुलर है तो जो ब्रायोफाइटा है वो क्या है नॉन वस्कुलर जबकि ट्रिकोफाइटा क्या है वस्कुलर प्लांट्स हैं तो प्लांटी जो है वो नेक्स्ट क्लासीफाइड है टू कैटेगरीज में एक ब्रायोफाइटा में और दूसरा है ट्रिकोफाइटा में आल दो दिस ग्रुपिंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू तो एनी स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन

Detailed discussion of classification of वो कहते हैं कि प्लांटी पर जो है वो इस कदर मालूम मौजूद है कि उसे इस बुक के अंदर बयान करना मुमकिन नहीं है बहुत ज्यादा वास्ट स्टडी है इस पर इसलिए ब्रीफ हिस्ट्री जो है वो यहाँ पर इसकी एक ब्रीफ आउटलाइन वो हमें बयान कर रहे हैं हम इस आउटलाइन को देखते हैं एन आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कि नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं इनमें हैं इनमेंडा म्यूसिकी को ब्रायोप्सिडा भी कहा जाता है कॉमन नेम लिवर वर्ड्स म्यूसिकी का कॉमन नेम मोसेस और एंथोसिरोप्सिडा का कॉमन नेम हॉर्न वर्ड्स है नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें डिवीजन ट्रिकोफाइटा की ट्रिकोफाइटा जो कोई वस्कुलर प्लांट्स है इनकी सब डिविजन नेक्स्ट जो है फोर है फोर सब डिविजन है सब डिवीजन वन क्या है साइलोप्सिडा और इसका कॉमन नेम है विस्क फर्न सब डिविजन लाइकोप्सिडा इसमें कॉमन नेम है क्लब मोसिस सब डिविजन इसमें कॉमन नेम है हॉर्स टेल्स

इसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे यहाँ पे फर्स्टली वो कहते हैं द फर्स्ट प्लांट्स टू क्लोनाइज लैंड वर द ब्रायोफाइट्स यानी कि वो जो कि इब्तदाई पौधे जिन्होंने जमीन पर कालोनिया बनाना शुरू की वो क्या हैं ब्रायोफाइट्स दे आर जनरली थॉट टू हैव इवॉल्व फ्रॉम ग्रीन एल तो ये कहाँ से इवॉल्व हुए हैं ग्रीन एल से ये सोचा जाता है थॉट उनका एक ख्याल है कि ग्रीन एल से ये इवॉल्व हुए हैं एरियाज होते हैं वैसे डम्प शडी प्लेस वो एरियाज हैं जहाँ पर धूप की रसाई नहीं होती है और शेर जो है बहुत ज्यादा कसरत में जो है वो मौजूद होता है जिसकी वजह से ये जो है मुनासिब मेदार में पानी जो है वो हासिल कर लेते हैं

फ्लोइम का काम आप जानते हैं कि है पानी की ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये जयलम और फ्लोइम नहीं रखते हैं और इनके अंदर स्ट्रेंथनिंग टिश्यूज भी मौजूद नहीं होते Only the process of diffusion and osmosis helps in the transportation of water एंड मिनरल एज वेल एज इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रिपेर्ड फूड एंड अदर सब सो ओनली द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर जो इसमें प्रोसेस है वो कौन सा है डिफ्यूजन का या फिर ऑस्मोसिस का और आपको पता है कि डिफ्यूजन क्या है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसेंटेशन जबकि जो ऑस्मोसिस है ऑस्मोसिस बेसिकली मूवमेंट ऑफ सोल्यूट होती है तो सोल्यूट की जो मूवमेंट है वो थ्रू अ सेमी मेम्ब्रेन होगी। ये क्या करती है ट्रांसपोर्टेशन में इनकी मदद करती है और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प कर रही है नेक्स्ट द प्लांट बॉडी इज विद क्यूटिकल और हैज अ वेरी थिन वन इसके अंदर या तो प्रॉपर क्यूटिकल मौजूद होती है या बहुत ही पतली लेयर जो है मौजूद होती है वाटर इज द जनरल दर्फेस ऑफ प्लांट आम जो सतह है पौधे की, उसके जरिए से पानी जो है वो किया जाता है प्लांट इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट क्यों कहा जाता है बिकॉज दे कैन नॉट लिव अवे फ्रॉम वाटर क्योंकि ये पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं दे नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन और इन्हें रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को भी कैरी ऑन करने के लिए पानी की जरूरत है द ब्रायोफाइट्स आर नॉन वेस्कुलर फ्लावरलेस प्लांट्स अब ब्रायोफाइट्स क्या हैं? नॉन वेस्कुलर तो हैं, लेकिन क्या है फ्लावरलेस हैं? हैं। इनमें फूल नहीं होते दीज प्लांट्स शो अ रेगुलर आल्टरनेशन ऑफ ट्रोमार्फिक मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट जनरेशन हेट्रोमॉर्फिक क्या होता है कि जिसमें दो जनरेशन हो ऑफ का जैसे कि गैमिटोफाइट और स्पोरोफाइट दो जनरेशन जो है इनमें पाई जाती हैं दे हैव अ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग गैमिटोफाइट इनके अंदर क्या है डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग गैमिटोफाइट है तो जब गेमिटोफाइट इनमें डोमिनेंट है तो स्पोरोफाइट जो है वो फिर पर डिपेंडेंट होगा दिस में बी थैलॉइड एज इन मैनी लिवर वर्डिएटेड इन टू स्ट्रक्चर्स रिजेंबलिंग टू स्टेम या फिर स्टेम से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स पर भी ये मुश्तमल हो सकते हैं लीव्स एंड एब्सॉर्बिंग एंड एंट्रिंग ऑर्गन राइसाइड एज इन मोसेस एंड सम लिवर वर्ड तो जो हैं वो एब्जॉर्बिंग के लिए यूज होती हैं जैसे कि रूट्स होती हैं तो ये जो है इनके अंदर मौजूद हैं द अ स्पोरोफाइट तो वही जिक्र पे आ गया कि गैमिटोफाइट क्या कर रहा है स्पोरोफाइट को प्रोड्यूस कर रहा है विच इज अ लेस कॉन्स्पीकअस जनरेशन पार्शली और टोटली डिपेंडेंट अपॉन द गेमिटोफाइट फॉर इट्स न्यूट्रिशन या तो पार्शली डिपेंडेंट होगी गेमिटोफाइट पर टोटली yeah, डिपेंडेंट totally होगी गैमिटोफाइट पर लेकिन स्पोरोफाइट जो है वो है डिपेंडेंट गैमिटोफाइट पर स्पोरोफाइट जनरली कॉन्सिस्ट ऑफ फुट सीटा एंड कैप्सूल इसमें इस तरह से यहाँ पे फुट मौजूद होता है ठीक है सीटा एक लंबी डंडी की तरह से और फिर यू एक आर्गन जो है वो कैप्सूल की तरह से यहाँ पे मौजूद होता है स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड अब स्पोरोजिया है? है. Kind of इसमें सिंगल काइंडूस kind of होती है इट इज होमोस्पोरस होमोस्पोरस क्यों बिकॉज इसमें एक ही काइंड ऑफ स्पोर्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं अगर डिफरेंट काइंड होते तो देन हेट्रोस्पोरस होता होमोस्पोरस जिसमें सेम काइंड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं द स्पोर्ट्स जर्मिनेट एंड गिव राइस टू गैमिटोफाइट विच इज ऑल्सोड क्या है जर्मिनेट करते हैं और give rise किसको करते है? को, जो कि मल्टी सेलर मेल एंड फीमेल सेक्स एंथरीडिया एंड आर्चिगोनिया रिस्पेक्टिवली आर बोर्न ऑन गेमिटोफाइट आईदर ऑन सेम और डिफरेंट प्लांट एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया ये या तो सेम प्लांट पर प्रोड्यूस होंगे या फिर

कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं एंथ्रीडिया में और क्या कहलाते हैं एंथ्रियोजॉर्ड्स एंथ्रियोजॉर्ड्स आर मोटाइल एंड ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर मोटाइल हैं मूवमेंट कर सकते हैं ये और कितने हैं लार्ज नंबर फीमेल गैमेट्स प्रोफॉर्म्ड विद इन आर्चीगोनिया अब फीमेल गैमेट्स कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं आर्चीगोनिया में आर टर्म्ड एज एग्स और इनको हम क्या बोलते हैं एग्स

सिंगल एंथ्रोजॉय फ्यूज विद एन एग दस अकिशिंग फर्टिलाईजेशन विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयडोट टू एन होगा एन एन के साथ अटैच होगा और टू एन डिप्लॉयड बना देगा एंथ्रीडिया बी और आर्सिगोनिया बी इन दोनों के अंदर जो एंथ्रोजॉय प्रोड्यूस हो रही है और जो एग्स है ये दोनों क्या है Heploid. और इससे जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है टू एन female sex विद इन for some आर्चिगोनियम फॉर कुछ वक्त के लिए आर्चिगोनियम के अंदर प्रोड्यूस होती हैं आफ्टर रेस्टिंग पीरियड develops थ्रू माइटोटिक division इन टू diploid embryo. फिर जो है वो जाइगोट माइटोटिक division से गुजरेगा और डिप्लॉयड एम्ब्रियो बन जाएगा

इट रिमेन्स अटैच टू द गैमिटोफाइट फॉर नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन बिकॉज इट डज नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड इज अनएबल टू परफॉर्म फोटोसेंथिस देखिए कि जो स्पोरोफाइट है वो क्या है डिप्लॉइड है लेकिन वो थ्रू आउट डिपेंडेंट क्या है गैमिटोफाइट पर निसशमेंट के लिए भी प्रोटेक्शन के लिए भी क्यों उसकी वजह क्या है कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं है क्लोरोप्लास्ट के जरिए से ही फोटोसेंथिसिस का प्रोसेस होता है

वास्कुलर सिस्टम एबसेंट गैमिटोफिक क्या है डोमिनेंट। स्पोरोफाइट क्या है अटैच टू द गमिटोफाइट और ये क्या है होमोस्पोरस। दैट्स ऑल अवर टूडेज टॉपिक होप्स यू एंजॉय इट